एक कहानी है एक अटूट विश्वास की, एक भक्त की अपने भगवान के ऊपर भरोसे की। एक कहानी है एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी, नास्तिक और अहंकारी बिजनेसमैन ने सुना और उसने सोचा कि क्यों नहीं इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ। जब वो महिला पूछे कि किसने भेजा है तो कह देना किसी शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान लेकर पहुंची तो पहले उसने परिवार के तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा है। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा, क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि राशन आपके पास किसने भेजा है जानने का? उस पर महिला ने जवाब दिया, मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो भी करेगा, अच्छा ही करेगा। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, ईश्वर पे अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो आपकी मदद किसी न किसी रूप में ज़रूर करेगी। जैसे इस कहानी में कृष्ण भगवान ने उस घमंडी जो उद्योगपति था उसके द्वारा राशन भेजा गया, उसको लगा कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन एक तरीके से भगवान ने उस महिला की सहायता किया उन्होंने।